मैंने आपको बताया ही था ना कि चीकू 2 महीने की हो गई है, तो आजकल हम इसके लिए यूज कर रहे हैं नए स्किन प्रोडक्ट जो कि डव से हैं, जिसका बेबी लोशन काफी अच्छा है। अरे मेहंदी तो लग गई, लेकिन साफ भी करना पड़ा क्योंकि चीकू को संभालना था, तो मेहंदी लगा के तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हो गया। यहाँ पे इक्वल वेरी नाइस, सब काम निपटाने के बाद तैयारी करके मैं आ गई हूँ बाहर डिनर के लिए। घर में बनाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, और सर्गी वर्गी तो इस बार क्या ही होगी, बेबी इतनी छोटी है, एक और बेबी है साथ में, तो बस बाहर खाएंगे और घर जाएंगे। ये फाइनली थाली, ये एक्साइटेड सर, ये लोग कहाँ आए हैं इनको? आज तो करो क्या तो? वाओ, अनिका का फेवरेट है ना? रोटी नहीं मिली ना। गाइस, वैसे तो गुड आफ्टरनून हो गई है, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग ही विश करूँगी। एंड आज तीज है, मेरी मेहंदी देखो पहले आप, ये मेरी मेहंदी, ये मेरी मेहंदी, और ये अनिका की मेहंदी, वो लॉलीपॉप खा रही है। अनिका रेडी हो चुकी है, सिर्फ चीकू को रेडी करना है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और 2-3 दिन से बहुत ऑक्यूपाइड थी, तो लाइफ पे बिल्कुल चेंज हो गई है, घर में मम्मी नहीं है, सब अकेले मैनेज करना, 2 बच्चों को मैनेज करना, लाइक पहली बार है, ऑब्वियस बात है, बेबी पहली बार है, तो पहली बार तो सब कुछ मैनेज करूँगी ना। तो करते करते पूरा दिन निकल गया, एंड अब सब प्रिपरेशन कर दिए मैंने, बस अब मुझे नहाना है, तो मैं नहाने जाऊंगी, लेकिन उसके पहले ही लाइट चली गई, नहा नहीं पाई थी मैं क्योंकि बहुत तैयारियाँ थी। फिर अनिका, अनिका कह रही हूँ सॉरी, हाँ अनिका की भी मालिश हुई है और चीकू की भी मालिश हुई है, तो आंटी आई थी तो उनके साथ में घर क्लीन करवाना, बेबी की मालिश, ये वो, नाश्ता खाना सब। ऑल दो मैंने खाना नहीं बनाया, बस नाश्ता बनाया था तो सफल वही खा लिए। सब सामान तो रेडी है, बस मेरा आउटफिट रेडी नहीं था, और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं वो किसी काम की नहीं है। बस साइज़ अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मैंने थोड़ा सा ब्लाउज़ लूज़ तो किया था कि पहनूंगी मैं तीज में, पहनूंगी ये वो, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कितना भी लूज़ करने के बाद में मुझे नहीं आने वाला है, मुझे नया रीसाइज़ मतलब नया साइज़ परचेज करना ही पड़ेगा। सो अब तीज तो गया, तो मैंने 10 मिनट जाकर के कल एक कुर्ता परचेज किया कि कुर्ता पहन लूँगी मैं इस बार। इस बार का क्या है, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, एंड साड़ी पहनने के मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगेन वही ब्लाउजेज एंड ऑल, और मम्मा ने साड़ी पहनी थी। हाँ, पहली तीज में मम्मा ने साड़ी पहनी थी, सो बिल्कुल भी नया ब्लाउज में इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी नए ब्लाउजेज रखे हुए हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे, लाइक पहले वाला जो मेरा साइज था उस साइज में है। अभी नेक्स्ट ईयर तक मेरा टारगेट है कि मैं वापस से उसी साइज में आ जाऊँ, उसी फिगर में आ जाऊँ। सो मैंने लास्ट मिनट जाकर के कल कुर्ता परचेज किया मैक्स से, रेड कलर का है, बाहर रखा हुआ है, अभी उसको पहनूंगी मैं, आयरन करूंगी, सूख गया तो पहनूंगी उसको, और चीकू को रेडी कराना है, और फिर लाइट चली गई, द वर्स्ट थिंग इज, सो देखो क्या करती हूँ, वहाँ पर पूजा करूंगी, दिखाती हूँ, ये देखो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है वो वहाँ पूजा करने वाले, वो चौकी पे देखो वहाँ पर रखकर के आई हूँ, सब पूरा प्रिपरेशन हो गया है,
अब मैं नहा के आऊंगी, देन उसके बाद में सब पूजा की तैयारी करूंगी। सब कुछ निकाल करके रख दिया है, वॉश वॉश करके रख दिया है अच्छे से। अब नहाऊंगी, देन उसके बाद में सब तैयारियां जो होती हैं पूजा की, और जहाँ पर हम पूजा करेंगे, चौकी को प्लेस करना, भगवान जी को प्लेस करना, भगवान जी को क्लीन करना, ये सब मैं नहाने के बाद करूंगी। चलो भाई, 3:15 बज चुके हैं, देखो 3:15 बज चुके हैं। अब मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे चेहरे की बैंड बजी है, मैंने कुछ नहीं करवाया, आई थॉट मैं फेस पैक लगा लूंगी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। माय गॉड, वैसे तो मैं पार्लर गई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक चीज में टाइम इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि बेबी है तो सिर्फ पेडीक्योर करवाया और थोड़ा टचअप करवाया, हेयर टचअप करवाया। बहुत दिन हो गए थे, मैं प्रेगनेंसी में करवाया ही नहीं, शुरू में करवाया था, फिर उसके बाद करवाया नहीं, काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर दिख रहे थे, तो मैंने करवा लिया। हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी तो ठीक लगेगा, बस टाइटनेस लग रही है और मुझे कुछ ऐसा कुछ नीड नहीं लग रही। चलो फिर, आई विल कैच यू लेटर, बाय। मैंने मंगवाया था ये उपटन फेस मास्क, अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था, तो आज इसका उद्घाटन होने वाला है, मतलब आज मैं इसे लगाने वाली हूँ। और मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश एंड स्क्रब तो मैंने यूज़ किया है, अच्छे थे। अब देखती हूँ फेस मास्क कैसा है, यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। वैसे रेटिंग तो काफ़ी अच्छी थी, रिव्यूज़ भी बड़े बढ़िया बढ़िया थे। चलो यूज़ कर लेते हैं, लगाते हैं, फिर मिलती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, लाइक लिटरली बहुत धूप है। वैसे तो कपड़े सुखाने के लिए धूप अच्छी है, लेकिन लाइट चली गई है तो गर्मी बहुत है, उमस भी बहुत हो गई है। ओ वाह, उसके अंदर स्पैचुला मिला है, तो कोई ब्रश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किन क्लीन होनी चाहिए बस आपकी, तो मेरी स्किन मेरी क्लीन तो है, लेकिन एक बार फिर से वॉश करके आती हूँ, फिर इसको लगाती हूँ। चलो अभी कुछ सुखाती हूँ, उधर से नहाने चली जाऊंगी। अब फिर मैंने वही ड्रेस पहनी है, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया, मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया। चीकू रेडी हो रही हैं, चीकू, और अभी चीकू के बाल ठीक करने हैं, मुझे बैंड लगाना है, एंड हमने ये बैंड लिया है, ये वाला ये लगाने वाले हैं, बाकी तो हो गया है ऑलमोस्ट, बाकी तो हो गया है ऑलमोस्ट डन। गाइस, सो भी पूजा हो गई है, देखो जस्ट फिनिश हुई पूजा, और अभी मंदिर जाने का प्लान है, बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो सोच रही जल्दी से मंदिर जा कर के आती हूँ। और अभी चीकू भी उठ गई, उसे फीड भी कराना है, तो इस बार आप देख रहे हो मैंने कुछ भी, कोई ज्वेलरी वुलरी नहीं पहनी, और हाथ में भी कुछ नहीं पहना, बस एक छोटा सा कड़ा डाला, वो भी अभी निकाल दूंगी, क्योंकि चूड़ी तो आ ही नहीं रही मेरे हाथ में, और इतना बड़ी चूड़ी मिल भी नहीं रही थी मार्केट में, तो उसे छोटा साइज ही पहनना पड़ा मुझे, किस तरह से कंगन पहनना पड़ा। एनीवेज, क्या बताऊँ, इयरिंग भी नहीं पहनी मैंने आज, तो कुछ भी नहीं पहना, बेबी को बार बार लेना पड़ रहा है, और ऐसे मैं कुछ भी ज्वेलरी पहन के नहीं रह सकते, उसको लग जाएगी, उसको हर्ट हो सकता है, तो बस नए कपड़े जिंदाबाद। और चलो फिर जाती हूँ जल्दी से, होकर के आती हूँ, चीकू को फिट करा देती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ। और कल गणेश चतुर्थी है, कल पहला दिन रहेगा बप्पा का, तो वैसे तो मैं गणेश जी बिठाती नहीं हूँ, लेकिन 2 साल से सोच रही हूँ बिठाने का कि अनुराग साथ करूँगी, लेकिन अब चीकू भी आ गई है भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से, तो अगले साल से अगर सब कुछ अच्छा रहा, भगवान ने चाहा, कृपा रही, और ज़रूर पप्पा का आगमन करेंगे घर पर,
चलो बुला रही है मेरी बेटी। तो गाड़ी कौन चलाएगा? मम्मी, मम्मी चलाएगी क्या? आज हरतालिका तीज है और तीज में यानी कि हरतालिका तीज में पूरा दिन हमें निर्जल व्रत रखना पड़ता है, फास्ट करना पड़ता है, मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, फ्रूट्स कुछ भी नहीं, एनीथिंग। तो अभी तक तो मैं निर्जल फास्ट ही रख रही थी, लेकिन अभी बेबी को फीड कराना है तो मैंने पूजा करने के बाद में दूध पी लिया और 2 ग्लास दूध पी लिया था। अब कुछ नहीं कह सकते ना, अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और मैं बहुत वीक फील कर रही थी इस बार, जब अनिका थी और उसके टाइम पे तीज पड़ी थी तो मैंने फास्ट रख लिया था। आई डोंट नो कैसे मैंने रख लिया था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पी, और फीट भी कम नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था। एनीवेज पूजा अच्छी से हो गई और अब मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि प्रसाद चढ़ाना होता है, पूजा करनी होती है और सुहाग लेना होता है पार्वती माँ का। तो सुहाग लूँगी और फिर उसके बाद मैं पारण करूँगी, मेरे व्रत का व्रत खोलूँगी, तो इस तरीके से होता है। और फिर बाद में वही प्रसाद जो मैंने चढ़ाया है, हलवा और पूड़ी ही बना रही हूँ मैं, और मीठा है तो वही मैं खाऊँगी, और फिर सफल पानी पिला देंगे मुझे, तो उसके बाद मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तो गाइस, हमने ये परचेज किया है अभी रिसेंटली ही, तो ये बेबीज़ के लाइक न्यूबॉर्न बेबीज़ जो भी थोड़ा ग्रो कर रहे हैं 2-3 मंथ्स की एज में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एक प्ले एक्टिविटी है, लेट के खेलने वाला कुछ एक्टिविटी के लिए है ये, जो कि इस तरह का बनाया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर पानी भरना होता है, यहाँ पीछे से ओपनिंग है इसकी, यहाँ से पानी भरना होता है। और ये जो साइड वाला आप देख रहे हो ना पैनल, इसमें हवा भरनी होती है, तो आप मुंह से एयर उसमें कर सकते हो, डाल सकते हो, या फिर आप पंप के थ्रू कर सकते हो, जिससे भी आपको ईजी पड़े वो आप कर सकते हैं। और मुँह से हवा डालना इसमें बिल्कुल ईजी नहीं है, तो बेटर टू हैव बलून पंप जो होता है, इन्फ्लेटर जो होता है, उससे आप इसमें इन्फ्लेट करो, हवा भरो, एंड ऑल्सो इसमें पानी भर सकते हो। नॉर्मल टैप से पानी भर लो, हो जाता है। अब इसको रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है और चीज़ को ये पसंद आया या नहीं। बट ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट है। आज बहुत दिनों के बाद बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सालों में ऐसी बारिश देखी। बहुत तेज़ वाली बारिश अभी हो चुकी है और बादल ऐसे गरज रहे थे ना, एकदम थंडरिंग वाली साउंड आ रही थी, बहुत तेज़ वाली भी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है।